दुरूद पाक सारे बाप। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दल अफलाका वलर्दीन वस्सलातु अला मन काना नबियुन वादम बैनल मायवतीन वाला आलिही वसहाबी अजमाईन। कालल्लाहु तबारक व तआला फी शान हबीबे मुखबिर मामिरा वासा युजन्ना बुहाल अतका अल्लज़ी योती मालहु यतज़क्का। صدق الله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما। बड़ी अकीदत मोहब्बत सारे मिलकर दुरूद पाक पढ़ो। जिनके लब पे रहे जिक्र सल्ले अला, उनके हुस्ने मुकद्दर की क्या बात है। जिनके लब पे रहे जिक्र सल्ले अला, उनके हुस्ने मुकद्दर की क्या बात है। जिसमें जलवे होता है बाकी हर दम बसे, उस आला तसव्वर की क्या बात है। नफसी नफसी हर तरफ होगी निदा, उम्मती उम्मती होगी उनकी सदा। खालिक भी चाहेगा उस दिन उनकी रजा, उस शाफी मैशर की क्या बात है। अल्लाह ताला दी हमदो सना तो बाद आकाए नामदार मदनी ताजदार ताजदार मदीना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात बबरकात पे हदिया दरूद सलाम पेश करने तो बाद तहत वाजिबुल इतराम सद इतराम उलमाए रब्बानी उलमाए सुन्नत जमात खुदा में आसना अली हजरत कहने वाला शरीफ मुहम्मद जफर किलानी साहब दी मुनाकदा सलाना महफिल मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हें भी तुसी ते मैं हाजिर हाँ दुआ मंगो मैनू अल्लाह हक बयान करन दी तुहानू सुन के उस दे उत्ते अमल करन दी अल्लाह तौफीक अता फरमाए। मेरे तो कबल दो खिताब तुसी बल्कि तीन खिताब बड़े खूबसूरत बड़े हुसैन सुन चुके हो। अल्लाह ताला उलमा दा साया ता देर अहले सुन्नत कायम दाइम फरमाए। सब तो पहला मैं अर्ज करांगा असी अहले सुन्नत आ अल्लाह ताला ने सानू ओ पाक मसलक अता फरमाया जिंदा हर अकीदा नूरुन अला नूर है। असी नबी दे घर वालियां दे भी खादम आ, नबी दे दर वालियां दे भी खादम आ। बिल वास्ता बला वास्ता रूहानी तौर पर जसमानी तौर पर जेड़ी भी चीज़ मेरे आका नाल तल्लक रखती है साडा सुनियां दा अपने आप उहने नाल तल्लक हो जांदा। चाहे हजूर का जुब्बा मुबारक होवे, नबी पाक की दस्तार मुबारक होवे, हजूर नबी पाक का रोज़ा पाक होवे, हजूर की अदा होवे, नबी पाक का कोई सजदा होवे, या नबी पाक की आल होवे, या हजूर के असहाब हो, सानू पता लग जाए कि इस चीज़ की निस्बत हजूर नाल। असी वह बेली वह गयूरी कौम सुननी आ, असी कद्दू नूं भी डरदे कद्दू नहीं आखते कद्दू शरीफ आखते। तो जेड़ा नबी दी खान वाली सब्जी का एडा इतराम करता है सरकार दी आल का कितना कोई इतराम करता हो। मैं अर्ज करांगा असी हजूर दे घराने दे भी खादम आ, घर वालियां दे भी, हजूर दे दर वालियां दे भी। मैं बड़ी जगह से बयान किया कि असी घर वालियां दे भी हाँ, दर वालियां दे भी हाँ। बाद लोगों ने फिर इनकी अगू तकसीमा शुरू कर दी। उन्होंने कहा जी घर वाले फिर मौला अली होए, दर वाले सदीके अकबर होए। मैं फिर उन्होंने कहा मैं भी एक लम्बे वास्ते सोचो तो सही घर किदा है। जो ने कहा सुहाण अल्लाह। कह लगे जी घर सरकार का, तो मैं कि दर किदा है कि दर भी सरकार का। तो मैं कि सरकार की मर्जी तो छड़ना, तू बेच क्यों अपना हिस्सा पाना पै तकसीमा दे बेच। सरकार जिसन चाहन घर लै जा, जिसन चाहन दर दे बिठाण। साढ़े वास्ते ये हुक्म नहीं है घर वाला केड़ा झाती मार के किसी के घर झाती मार सकते हो, तो हजूर के घर फिर क्यों अंदाजे लगा रहे हो। मैं अर्ज करांगा कि साड़ियां तकसीमां नहीं है, साढ़े वास्ते हुक्म है असी घर वाले दे भी दर वाले। गल मुक गई जदों असी सारे मनन वाले हाँ
फिर यह तकसीम कर दी, वह घर वाला तो दर वाला, भी तू तकसीम करनी, तकसीम तो करनी मेरे आका ने, जब दर भी उन्होंने है घर भी उन्होंने है। हूँ हजरत सलमान फारसी सारे नाम उन्होंने पता है, हजरत सलमान फारसी अगर उन्होंने हिस्टरी पढ़ीए, बाप जरा आतिशकदा पूजता पहला मुसलमान नहीं सन हो शुरू, और इतने मैं भी दलील पेश करा, बाद लोग सैयद फरूक आजम के ईमान ले आने की इतराज करते हैं, वेखो जी पहला किस अमल में सर, तो वेखते सही सलमान फारसी पहला की करते सर, मैं जिदे इशारा कर रहा अकलमंद इशारा काफी, सारा दिन अग बालते सर, आतिशकदा बालद जो आतिश अग की पूजा करता से सारा दिन, आपने सोचा कि सारा दिन अग जी बुझ जाती मैं फिर बालनी पैंती है, ये चंगा मजहब, आप दिल बेजार हो गया। आप उतो चले ईसाई उत्थे उस वेले अरूज से ईसाइयत का, ईसाइया को लाए, ईसाइया का आखिरी राइब जड़ा है उन्हें को आप पढ़न लग गए, आप ईसाई हो गए, आखिरी जरा राइब भी उसने कहा मेरे बाद तेरे तो तेन नेक बंदा नहीं मिलेगा, सारे दाखोर हो गए ने साडे इतुरात अंजील दे विच दा लांदे ने, तू इस तरह करना है मेरे मरण तो बाद ना वादिए बतहा चला जाए मदीना पाक, उत्थे जाके नौकरी कर लई, नबी आखरू जमान का बिल्कुल जरूर होना लै, तो मेरा सरकार नूं सलाम भी अर्ज करी ते आप दे जाके बसाबी भी बन जाए। हजरत सलमान फारसी उत्थे विकदे वकांदे मदीने पाक आ गए, एक यहूदी दे कोल बागबानी शुरू कर ली, सारा दिन बागबानी करते रहे, एक दिन आपने वेख्या कि लश्कर गुजर रहा है, आपने फिर मैं लश्कर वाले की प्रोग्राम है, उन्होंने कहा जी तैनूं नहीं पता इत्थे नबी आखरू जबान का जहूर हो गया, असीं सरकार की ज़ियारत वास्ते जा रहे हैं, उन्हें बागबानी उत्थे छड्डी ते हजूर दी दीदार वास्ते चले गए। जो उस जगह पर पहुंचे तो जो मंजर सलमान फारसी नूं नजर आया वह किसी शायर ने अपने लफ्जों में इस तरह लिखे है कि जो हजरत सलमान फारसी उस जगह पर पहुंचे तो सलमान फारसी ने वेख्या कि खग्गियां दा छस सी छतीर सन खजूर दे, ते दुनिया दुनिया भी वेख दी है जलवे हजूर दे, मेरे आका दी जुल्फे अमरी दी ज़ियारत की, बदुहा दा चेहरा वेख्या, माजाक दे काजल वेखे, अलम नशरा दा सीना वेख्या, लाउक्सिमो बिहाजल बलद दे कदमैन शरीफैन दी ज़ियारत की, हजूर दी गुफ्तगू सुनी, हजूर तो मुतासर हुए मुसलमान हो गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलमान फारसी नूं इतना शर्फ अता फरमाया, अलम तो लैके बन नास दिकर पूरा कुरान सलमान फारसी ने हजूर को सीखा। आपने अर्ज की यार सुल्ला मैं हुण बागबानी छड़ना चाहना, तुहाडी खादम होना चाहना, मेरे आका ने फरमाया जा यहूदी नूं जाके पुछ शर्त की है, किन्ने पैसे लेना चाहना ते मेरा गुलाम आजाद कर दे। उसने कहा बच्चा बड़ा होनहार है, बच्चा बड़ा मेहनती है, अगर यह चला गया मेरे बाग की बागबानी कौन करेगा, मैं शर्त ही एड्डी डाढ़ी लाना ना शर्त पूरी होगी तो ना सलमान तू आजाद होगा। उसने कहा जा अपने आका नूं जाके कह दे खजूर ला रहा, खजूर जवान हो पकन दियां, जिस दिन पहला फल मंडी गया सलमान तू आजाद हो जा। हजरत सलमान फारसी क्योंकि पहले मुसलमान हुए सन, बड़े परेशान हुए कि इतनी लंबी शर्त खजूर तो बद्दी बड़ी देर बाद, तो वह कहता जी बाग पक्केगा तो फिर तू आजाद है। आके हजूर नूं अर्ज़ की, आपने फिर मैं जा उस यहूदी नूं जाके पुछ मेरे आका कहते हैं शर्त कच्ची है कि पक्की है, उन्हें कहा जी शर्त पक्की है। आपने फिर मैं फिर साड़ी भी एक शर्त है, गिटका फड़ावेगा सलमान तो लावेगा मुहम्मद अरबी। मेरे आका ने 100 खजूर लगाई, हजरत फरूक आजम फरमांदे ने एक खजूर भी जाया ना हुई, अल्लाह ने सारी खजूर जवानी अता फरमाई, खजूर पक गई। मेरे आका ने सलमान फारसी नूं अपने सहाबा में शामिल फरमाया, सलमान फारसी आजाद हो गए। हुण गल इतना लंबा तुहानूं वाकया इस वास्ते सुनाया कि सलमान फारसी जिहड़े ने ओ हस्ती ने जिन्हां नूं नबी पाक ने फरमाया सलमान मिन्नी, सलमान मेरा है ते मैं सलमान दा, दोनों का सुभान अल्लाह। सलमान हजरत सलमान फारसी नूं हजूर ने अहले बैत पाक में शामिल किया। अगर ज़ाहरी तौर ते वेख्या जाए तो सलमान ने ना धी हजूर दे निकाह विच दित्ती, ना नबी पाक दे नाल कोई खूनी तलक, सरकार की पसंद है ना, सरकार ने सलमान नूं फारस तो उठा के सलमान फारसी नूं अपनी आल में शामिल फरमा लिया। तो यह मैं अर्ज कर रहा तशरीह करन दा मकसद है कि जिसनों चाहन फारस तो उठा के अपने घर बिठा लैन। जोन जोन क्या सुहान अल्लाह। एक बंदा मदीने पाक गया और यह भी रवायतों में मिलता है कि मदीने पाक के दही खट्टा कह बैठा, मेरे आका ने ख्वाब में हुक्म फरमाया मेरे मदीने छड़ दे, जिथे मिठा मिलता दही उथे चला जा।
बड़ा परेशान होया, सुबह उठिया अपना खैमा जरा रेगिस्तान में ला लिया। एक काफिला गुजर रहा सी, काफिले वाले ने कहा हाजी बड़ा चंगा है, नेक लगता है, मदद करनी चाहिए। उन्हें कभी इस जंगल में क्यों बैठा है? उसने कहा मामला हो गया, मैं दही नू खट्टा कह बैठा, मेरे आका ने फरमाया मदीना शरीफ छड़ के चला जा, तो मेरी हुण माफी किवें होएगी? फरमाया तू अमीरे हमजा दे मजार से चला जा। हजूर नू अपने चचा अमीरे हमजा नाल बड़ा प्यार सी, आपने उस बंदे ने जाके उसे माफी मंगी, तो हजूर ने फरमाया जे मैनू अमीर हमजा ना ना कहंदा तो मैं क्यामत तक तेनू माफ ना करदा। अर्ज करना मकसद है कि वह खड़ा किते सी मदीने पाक, सरकार ने कहा चल निकल इतों मदीने शरीफ, क्यों कि तू मेरे दही नू खट्टा कर। हजूर ने उस बंदे नू मदीने विचों कढ दिता जिन्हें मदीने दे दही नू खट्टा किया। नहीं समझे, नहीं समझे। जेड़ा नबी पाक दे यारां दे इतराज करे, नबी पाक उन्हूं किवें बर्दाश्त फरमान दे? नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीर, नारा हैदरी, मैदाने शेरे रबानी, आस्ताना अली हज़रत कहले वाला शरीफ, अबू बकर जन्नती। और गल करना मकसद है कि आका ने जिसनों चाहे दर तो कट दिता, जिसनों चाहे घर लै गया। ये तेरी तकसीम नहीं है, घर वाले कौन ने, दर वाले कौन ने। मैं हुण इत्थे अर्ज करांगा कि आखिरी हजूर का जो वसाले पाक होया ते तुसी जाके उन्हां मौलवियों नूं पुछो जिहड़े सदीक अकबर नूं दर वाला कहिंदे ने घर वाला नहीं कहिंदे, उन्हां कहो जी हजूर का जो वसाले पाक होया ते झोली किहदी सी, जिस झोली विच मेरे आका दी रूह परवाज़ कीती। जाओ पता करो जाके, झोली सी उम्मुल मोमिनीन आयशा सदीका दी। ज़ोन क्या सुभान अल्लाह, जदों मेरे आका दा वसाले पाक होया ते झोली हजरत आयशा सदीका दी सी। और आखिरी मसवाक जिहड़ी मेरे आका ने फरमाई, हजरत आयशा सदीका फरमांदियां ने सरकार नूं इतनी कमजोरी सी कि आप मसवाक नहीं सन चबा सकते, ते आपने फरमाया मैं वेखांगा मैं मसवाक किवें हजूर दे, हजूर फरमांदे सन मसवाक दिओ, मसवाक चबाई ना गई सरकार दी। हजरत आयशा सदीका ने अपने दंदान मुबारक नाल मसवाक चबा के मेरे आका ने नहीं अजे बोले, नहीं बोले। और मेरा घर वाला केड़ा होगा, आज भी जाके वेखो हजरत आयशा सदीका दे उजरे विच हजूर आराम फरमाया। और मेरे आका ने फरमाया जिथे जिस नबी दी रूह परवाज करदी है दफन भी उत्थे होंदा। ज़ोन क्या सुभान अल्लाह, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, फैलावे शेरे रबानी, मेरे क़िबला पीर की हुज़ूर जिंदाबाद। कुरान पाक दी एक आया करीमा पढ़ने दा शरफ हासिल कीता है, और कारी साहब मुबशर साहब ने बड़ा खूबसूरत बड़े चंद मिनटा में कारी साहब ने बड़ा खूबसूरत बयान फरमाया, और इन्होंने भी अपने अकीदे की तर्जमानी की है। सब तो पहला मैं अर्ज करांगा अल्लाह ताला की बारगाह में हुक्म है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। अल्लाह फरमाता मेरे नजदीक सब तो ज्यादा वह मकबूल है मेरी बारगाह में जरा ज्यादा वड्डा परहेजगार हो। इत मैं अर्ज करांगा इसी तरह अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीना आमनु वकानू यत्तकून, कि अल्लाह के वलिया ने निशानी की है मुत्तकी होंदे ने परहेजगार होंदे ने। लेकिन एक गल याद रखो, सहाबा नूं जिहड़ी परहेजगारी मिली है तकवा मिले है वह नमाजा नाल नहीं मिले। यही तो मैं गल समझानी है, जोन कहा सुभान अल्लाह। सहाबी नमाजा नाल नहीं बनया, अमला नाल नहीं बनया। कुछ सहाबी वो सन जिन्हां नूं नमाज का टाइम ही नहीं मिले। हुण एक लम्हा पहला वो मुसलमान होए ने नाल ही जाप शुरू हो, नाल ही शहादत हो। ऐसे भी सहाबी मिलते हैं तारीख के विच जिन्हां ने अजे रोजा नहीं रखिया ते फिर भी तुहाडे तो अफजल नहीं। तो जिहड़ी कुराने पाक दी आया करीमा मैं पढ़ने का शर्फ हासिल किया है, अल्लाह ने इत्थे लफ्ज़ बोले ने अल अतका, सब तो वड्डा मुत्तकी, सब तो वड्डा परहेजगार। उन्हें दो गल्लां तुहाडे सामने मैं अर्ज करना चाहना, एक है कि असीं नमाज पढ़ते हैं कादे वास्ते, तकवा मिल जाए, जकात देने हैं तकवा मिल जाए, हज करते हैं तकवा मिल जाए, उमरा करते हैं तकवा मिल जाए, कुरान की तिलावत करते हैं तकवा मिल जाए, रोजे रखते हैं तकवा मिल जाए, मां की ज़ियारत कर दी है तकवा मिल जाए, नेकियां कर दी है तकवा मिल जाए। लेकिन साहबा नू तकवा नमाज नाल नहीं मिले, साहबा नू तकवा मिले दीदारे मुस्तफा दी वजह नाल। ज़ोन क्या सुहाण अल्लाह, सोबते हजूर और दीदारे मुस्तफा, ये दो चीजा ने, दो चीजा मेरे आका ने फरमाया। साहबा तशरीफ फरमा सन, मेरे आका ने अल ऐलान फरमाया तू बारी मान रोहानी, ओ मेरे साहबा तुहानू मुबारक होवे,
अर्ज की हजूर मक्का हिजरत फरमाई जाए, मदीने हिजरत फरमाई जाए, इस चीज की मुबारक दे रहे हो, मक्का फतह हो इस चीज की मुबारक दे रहे हो। सरकार ने फरमाया ना ना तू पाली मार रहा नहीं, तुम जागदे हो या मैं मुहम्मद का चेहरा तक दे। एक बारी जिसने हजूर नु मुहब्बत की निगाह नाल वेख्या, वेख्या अबू जाल ने भी सी, वेख्या अबू लाब ने भी सी। इसी वास्ते कहते ना सियाने बंदे कि हजूर अगर अकल में आ जाते ना तो काफिर बड़े बड़े जीरक भी सन, सियाने भी सन, अकल में हजूर नहीं आते। अक लैके आ सदीक वाली, दिल लैके आ मुर्तजा वाला, जोन जोन क्या सुहाण अल्लाह, अली वाला दिल होना चाहिए, अक सदीक वाली होनी चाहिए, फिर कुछ कमली वाले। इसी वास्ते मियां साहब खड़ी शरीफ ने फरमाया शान नबी दा एक जानन दुनियादार कमीने, ते शान नबी दा जानन वाले सोंगे विच मदीने। ज़ोदा ज़ोदा क्या सुभान अल्लाह, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, आस्ताना आलिया सरकार शरीफ, आस्ताना आलिया हज़रत कहले वाला शरीफ। जिन्ना ने हजूर नू मुहब्बत नाल इन आँखां दे नाल एक बारी दीदार कर लिया ना, अल्लाह ने फरमाया कुल्लू वाहद अल्लाह हुसना, अल्लाह ने उस बंदे नाल जन्नत दा वादा फरमा लिया। हुण कोई आइडियल आइडियल मन्ने अबू बकर नूं या ना मन्ने, इज्जत करे या ना करे, अल्लाह ने वह इज्जत महफूज फरमा दी। फरमाया जदों कुल्लू वाहद अल्लाह हुसना, अल्लाह फरमाता जेड़ा मैं वादा करना मैं अपने वादे के खिलाफ कदी नहीं किया। जारी साहब ने नहरा बनाया हजूर का हर साहबी जनती जनती वो असं नहीं कहते ना, कारी साहब ने नहरा बनाया वो कुल वाहद अल्लाह हुसना कुरान कहता पे। तो अल्लाह फरमाता मैं उस बंदे नू दोजख तो दूर रखांगा, दोजख तो दूर रखांगा जिहड़ा अल अतका दे मुकाम ते सब तो वड्डा मुत्तकी हजूर की उम्मत दे विच। मैं अर्ज कर गया कि तकवा किवें मिलिया साहबां नू, तकवा नमाजा नाल साहबां नू नहीं मिलिया, अमलां नाल तकवा नहीं मिलिया, दीदारे मुस्तफा की वजह नाल मिलिया। जिन्हां ने हजूर नू एक वारी तकिया सारे नमाजी सालहीन बुजुर्गां ने दीन रल जाण, एक साहबी की जुत्ती की खाक नहीं बन सकते, उनकी वजह उन्होंने वह अमल नसीब होया। हजरत शहनशाह बगदाद हजरत गौसे पाक यारवी अली सरकार, शाहे मीरा तेरे दर की कसम, तेरी याद से ये बहलाते हैं सब कुतुब अबदाल वली तेरे नाम का सदका खाते हैं। हजरत क्या सुहाण अल्लाह, हजरत गौसे पाक नूं किसी पुछिया तुसीं सैयदजादे हो, तुहाडा मुकाम ज्यादा है कि नबी पाक नूं तकन वाले सहाबा दा? ते आपने फरमाया मेरे नबी पाक दे मेरे नाना दे सहाबा दा मुकाम मेरे तो ज्यादा है। उनकी वजह कि जो अमल उन्होंने नसीब होया मैं मैनू भावे मैं सैयद हाँ मैनू नसीब नहीं होया कि उन्हें जागदे होया मेरे नाने मुहम्मद की ज़ियारत कर रहे। ज़ोदा ज़ोदा क्या सुहाण अल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा कि अल अतका अल्लाह फरमाते उस बंदे उस हस्ती मैं दोज़ख तो दूर रखांगा जिहड़ा सब तो वड्डा मुत्तकी परहेज़गार। तो मैं अर्ज कर रहा कि साहबी बनया है दीदारे मुस्तफा की वजह नाल, कुछ साहबी वो सन जिन्हां दी जहरी अखा नहीं सन नबीने सन, तो बजुर्गों ने दीन उलामा ने लिखे है जिहड़े वह साहबी मिले उन्होंने सोहबत हजूर मिली, पांच मिनट गड़ी कुछ जिंदगी की कुछ गड़ियां हजूर के कोल रहे चाहे नबीने सन फिर भी अफजल। जिन्ना इन अखर दीदारे मुस्तफा ने किया इन अखर हजूर की गुफ्तगु सुन ली, हजूर की सोहबत इख्तियार की, अबू बकर सदीक नूं वेख्या, मौला अली की जियारत की, जिन्ना जिन्ना ने उन्होंने तक लिया ना। हजूर ने फरमाया जिसने मैनू तकिया उन्हें भी जन्म की अग हराम, जिसने मैनू तकन वाले तक लिया उन्हें भी जन्म की अग नाम फरमा। जुन जुन क्या सुहाण अल्लाह। हुण मैं अर्ज करांगा कि जुज़वी तौर पर कुछ फजीलत ऐसी आउंदियां ने जिहड़ियां जिस तरह तुसीं हज़रात बैठे हो तुहाडे सामने सारे हाफज होण, एक हाफज बड़ी खूबसूरत तलावत करे थल्ले लोग कहते आसनल जज़ा कारी साहब क्या बात है बड़ी सोहनी तलावत की, जे दूसरे में वो चीज़ नहीं है अल्लाह ने खूबी नहीं रखी तो इन कहते हैं जुज़वी तौर पर फजीलत होना। कुछ साहबा दूजे साहबा नाल ज्यादा फजीलता रखते सन, ऐसे भी सन जिहड़े एक एक तो एक बद के क्योंकि हजूर की तरबीयत याफ्ता सन, कई साहबी नबी पाक के गुलाम सन, कई किस्म के कबीलिया के नाल तलक रखते सन, बड़े बड़े जीरक सन, बड़े बड़े अकलमंद सन, बड़े बड़े जरनैल सन। जिस तरह हजरत खालिद बिन वलीद ने मुसलमानों वास्ते कई फतुहात कई जंगा लड़ के कई मुसलमान कई ममालिक मुसलमान फरमाए, हर साहबी
जुजवी तौर पर एक दूसरे नाल फजीलत रखते सन। लेकिन एक होंगी है इतने बड़े मजमे में मैं खड़ा होकर कहां जी थोड़े नालों सारे नालों मैं फलाने बेली नूं कहना जी ये अफजल है, वो फिर मुतलक होवेगा मुतलक सारिआं विचों सब तो अफजल जिहड़ा। तो यह हुण मैं अर्ज करना चाहना कि जुजवी तौर पर कुछ फजीलत मौला कायनात दी हज़रत सदीक अकबर तो ज्यादा ने और कुछ मौला अली तो हजरत सदीक अकबर दी ज्यादा ने। लेकिन मुतलक की है, मुतलक की है कि बाद अज़म बिया पूरी रूह कायनात दे विच कौन अफजल है, इन्हें ते इजमा किस चीज का पाया जाता है, सहाबा की कहते हैं, अहले बैते पाक की कहते हैं, औलिया अल्लाह की कहते हैं, साढ़े त्रै ही ग्रोह ने, या हजूर नबी पाक या अल्लाह का कुरान। अल्लाह का कुरान भी अबू बकर नूं अफजल कहता है, कुराने पाक की आयात गवाह ने। तुसी ये पढ़ो ला यस्तवी मिनकुम वाली आया करीमा जिहड़ी है, उन्हें अल्लाह फरमाता फतह मक्का तो पहला जेडे जहाज जिन्ना किया जिन्ना अल्लाह के राह खर्च किया वह बाद आलिया नालों अफजल। अल्लाह खुद फरमाता है इस तरह जी कुराने पाक की अल अतका मैं आया करीमा पढ़ने का शर्फ हासिल किया है, उन्हें अल्लाह ने फरमाया सब तो वड्डा मुत्ती कौन अबू बकर सदीक। इस तरह आईमा अहले बैते पाक जिन्हों की वजह से अं कहने मैं हम कोई बंदा कहे जी हजरत कैश बिजू जी बड़ा इनका नंबर है जी बड़ा ना इनका, तो मैं कहूँगा यार मैं पता है कि तुम्हें पता है, तो तुम कहोगे जनाब तुम्हें बेहतर पता सानू की पता हो किसी होर पिंड रहने वाले आ, तो जी गल घरों हो ना वही चंगी होंगी। जो कारी साहब ने बयान फरमाया मदीने पाक बैठे हुए यही बहस छेड़ गई, किबला चाइनीस कल कोल बैठ के कुराने पाक पढ़ रहे सन, दो तीन उलामा सन आपस में बहस कर रहे सन कौन अफजल है कौन अफजल है फलानी गल इंज, तो आपने बड़ा खामोशी जवाब दिता आराम के नाल, आपने मैं बहस करना फायदा कोई नहीं, मदीना पाक अदब करना चाहिए इतने बहस नहीं करनी चाहिए, तो मौला अली नहीं पूछ लो दोनों दोनों क्या सुहाण अल्लाह जिसन मौला अली फरमाने अफजल है असं अफजल कह देंगे दोनों कह दो, क्योंकि मेरे आका ने फरमाया अली की जुबान से हक बोलता है, अली हक नाल है और हक अली दे नाल है, दोनों क्या सुहाण इन्हें भी कोई शक नहीं है। तो मैं अर्ज करांगा कि इस चीज उत्ते इजमा पाया जाता है अफजलीयत अबू बकर सदीक दा शैखैन दी अफजलीयत दा इजमा जड़ा है मौला अली दे अकवाल दे नाल साबत है, हसनैन करीमैन दे अकवाल नाल साबत है, और आइमा अहले बैत पाक इमाम नकी तकी तक जितने आइमा अहले बैत पाक होए ने हर बंदे दा ही अकीदा है कि अबू बकर अफजल ने दोनों का। कोई बंदा यह ना समझे ये दो चीजा थोड़े सामने मैं बड़ी जरूरी दसन लगा ताकि थोड़ी सलाह हो जाए, एक होंगी है अफजलीयत एक होंगी है मोहब्बत। मौजू ही दो अलहदा अलहदा अफजलीयत का मौजू और मुहब्बत अली का मौजू, मुहब्बत अली जिस बंदे दे सीने में नहीं है ना नमाज कबूल होगी ना जकात कबूल होगी ना हज कबूल होगा। मेरे आका ने अरशाद फरमाया जरा खाने काबे का तवाफ करे कुरान की तलावत करे हजरे असमद बोसे लवे रोज खाने काबे की जियारत करे लेकिन सीने में नबी पाक की आल का बुगज होया रब ने ना नमाज कबूल करनी है ना हज या जकात कोई शह भी कबूल नहीं होगी। मुहब्बत अली जड़ी ए ईमान नहीं ईमान दी जान है, दोनों दोनों क्या सुहाण अल्लाह। मौला अली दा जिक्र पाक करना ये अल्लाह दी नफली इबादत है, अली दा चेहरा देखना अन नजरो इला वजहे अली उनी इबादत, मेरे आका ने फरमाया अली दा चेहरा देखना रब दी इबादत है, दोनों का कदी भी गौर करया करो मेरे आका ने फरमाया मन कुन तो मौला फहाजा अली मौला जिसका मैं मौला उसका अली मौला, दोनों क्या सुहाण अल्लाह। इस जदों हजूर ने फिकरा बोलिया सब तो पहला मुबारक किने दी भी सवाल कर सुहाण अल्लाह, और जदों हजूर ने फरमाया अन नजरो इला वजहे अली उनी इबादत अली का चेहरा वेखना रब की इबादत है सब तो पहला इबादत किने की क्या सुहाण अल्लाह। जदों मेरे आका ने फरमाया ना मन कुन तो मौला फहाजा अली मौला जिसका मैं मौला उसका अली मौला सब तो पहला मुबारक देने वाले फरूके आजम सन जिन्हां ते इतराज़ दियां उंगलियां उठदियां ने, मैं कहांगा सब तो पहला आपने फरमाया अली तुहानू मुबारक होवे आज ते सूरज तलू होने तो बाद तुसी हर मोमन और मोमना दे मौला हो चुके,
और अन नजरो इला वजे अली उनी बादा अली दा चेहरा वेखना रब दी इबादत जिसने सब तो पहला चेहरे दी टिक टिकी बन के ज़ियारत की थी सदीक अकबर साहब जोन जोन क्या सुभान अल्लाह तो मैं अर्ज करांगा असी हजरत सैयदना सदीक अकबर दे भी गुलाम हां मौला अली दे भी गुलाम हां लेकिन मैं जड़ी अर्ज कर रहा यही हदीस है यही कुरान है यही अकवाले सहाबा है यही अहले बैत पाक दा फरमान है अपनी मर्जी कर दी बंदा मालन शाही हो जाए मालन शाही हो जाए ते गोर शाही हो जाए कपड़े ला छे ते कवे जी मैनू ये हुक्म होया जी मैं टल पाने ने ते मैं जनाब घुंगरू पाने ने ते भई तेरी मर्जी है मालन शाह जाने ते तू जाने असी देड़े सोनी सरकार नू मंदे आ साडा ते तलक इना शाहां शुआ नाल मालन शाही नाल नहीं अगर शाह वेखना है जमात अली शाह नू वेख अगर शाह वेखना है ते पीर मेर अली शाह सानू वेख जोन जोन क्या सुहाण आंदा गल उतो शुरू हुई सी कि सहाबा नू तकवा नमाजा ना नहीं मिलिया दीदारे मुस्तफा दी वजह ना मिलिया हुण वेखना है कि अल्लाह फरमांदे अल अतका तमाम तफसीर पुरानियां उठा के वेखो उन दे विच ही लिखे है कि इस तकवे तो मुराद अल अतका तो मुराद अबू बकर सदीक ने और मौला अली कोल किसी पुछया कि साया करीमा दे बारे विच आपदा की ख्याल मुबारक फरमाया मेरा यार अबू बकर है सब तो वड्डा मुत्तकी हजूर तो बाद सब तो वड्डा परहेजगार तो मैं अर्ज करांगा मैं अगे अर्ज कर चुके हाँ कि सहाबी बने दीदारे मुस्तफा की वजह नाल ते सदीक ते हस्ती नहीं जेड़े हर वक्त की कमली वाले और आप दा ते नहरा भी आई है ना हजूर ने फरमाया अबू बकर मैनू तीन चीजा बड़िया पसंद ने मेरे आ सदीक अकबर कहन लगे आका मैनू भी त्रै बड़िया पसंद ने सरकार ने फिर मैं तुहानू केड़िया पसंद ने अर्ज की हजूर बेटी मेरी होवे निकाह जनाब फरमाओ माल मेरा होवे खर्च तेरे कदमा ते करा ते अन नजरो इला वजहे रसूलुल्लाह आका मैं सवेरे वेखा मैं राती वेखा मैं उठते बहंदे वेखा कमली वालिया नजर सदीक अकबर दी होवे चेहरा कमली वालिया तेरा हो हजरत मौले कायनात करम अल्लाह वजल करीम फरमांदे जदों हजूर गुफ्तगू शुरू करदे सन अबू बकर तो शुरू करदे सन ते फरूक आजम ते खत्म कर देंदे सन जोन जोन क्या सुहान अल्लाह हजरत मौले कायनात करम अल्लाह वजल करीम क्योंकि आप दिन आ रहे तेरह रजब उल मुरजब शरीफ मौला अली की विलादत बादशादत और पिछले दिन जो गुजरे वो वसाल से हजरत अबू बकर सदीक का और भी जमादी सानी गालबन हजरत माई पाक का हजरत खतून जन्नत का दिन विलादत बादशादत क्या सुहान अल्लाह असी हजूर दे आल दे भी गुलाम हाँ नबी पाक दे सहाब दे भी गुलाम प्यार दा क्या सुहान अल्लाह ते हजरत सदीक अकबर ने अर्ज की हजूर अखां मेरिया हो चेहरा कमली वाले तुहाडा हो हुण जिहड़ी मैं अर्ज कर रहा कि हजरत सदीक अकबर हो ने हजरत मौला अली नूं किसी ने बंदे ने सवाल किया आप अफजल हो अबू बकर सदीक अफजल ने आपने फरमाया चार वजह दे नाल अबू बकर मेरे तो नंबर लै गया ते मौला अली फरमा रहे ने अर्ज की हजूर केड़ी केड़ी आपने फरमाया सब तो पहली गल है अज नाथ खाना ने शेर बनाए कि अपने अली बरा नूं की पढ़ता है अपने अली बरा नूं सरकार जानदे ने हिजरत की रात अपने बिस्तर ते सुवा के अपने अली बरा नूं सरकार जानदे ने असी इस चीज का अकीदा रखते हैं कि मेरे आका ने अमानता सपुरद कीतियां मौला कायनात और अपने बिस्तर ते हजूर मौला कायनात नूं आपने फरमाया कि मैं अमानता दे के फिर तुसी मदीने पाक तशरीफ लैके आना लेकिन मैं इतनी मुहब्बत वाली गल करांगा कि बिस्तर मिलिया अली नू तो बिस्तर वाला कौन लै गया जो ने क्या सुहाण अल्लाह एक महीना जान तो पहला मेरे आका ने सिर्फ गुफ्तगू फरमाई क्या सदीक अकबर अल्लाह जिसनू मंजूर करेगा मेरे नाल हिजरत वास्ते तैयार करेगा हजरत सदीक अकबर सारी रात सुते ही नहीं रोज रात नू दरवाजे ते कि शायद मेरी बारी आ जाए हजूर मेनू नाल लै जान अजार नहीं कीता इंतजार कीता जो ने कहा सुभान अल्लाह टाइम आ गया जदों हजूर ने हिजरत फरमानी सी सारी कायनात नबी पाक दे दर ते मदीने दी राह में डाकू चक्के नहीं पैंदे ते रहमत दी छल्ला नू धक्के नहीं पैंदे जो कुछ मंगना ही ना सर मदीने तो मांग लै मदीने दे मंगते नू धक्के नहीं पैंदे कुत्ता
कुतुब अब्दाल वली सब इस इंतजार में कि आका दे दर ते चली गए, मदीने पाक चली गए। लेकिन वह कैसा मंजर होगा जो रात हिजरत की रात मौला अली ने अपना बिस्तर अता फरमा के ते मेरे आका सदीक अकबर दे कर गए और आप जो उस जगह पर पहुंचे तो सदीक अकबर अगे खड़े सन। हजूर ने दरवाजा खोलिया तो सदीक अकबर सामने आप मुस्कुरान लगे तो फिर मैं सदीक तुहाडा नामा आ गया। अर्ज कर लगे यार सुन मैं तो महीना पूरा सुता ही नहीं, मैं तो रोज इंतजार करता रहा। मेरे आका नु सवाल किया गया कि आका सारा जग तुहाडे दर ते जांदा है, तुसी सदीक अकबर के दरवाजे से क्यों गए हो इमाम अलंबिया होके? ते हदीस मुबारक में आता है मेरे आका ने फरमाया मैं अल्लाह का नूर वेखने सब बकर दे कर जो ना कह सुहान अल्लाह अज असी उस घोड़े का इतराम करते हैं और छबी है असल घोड़ा नहीं होंगे छबी बनाते हो कहते हो इमामा पाका की छबी असी बनाई। मैं क्या इमामा पाका सवारी भी असल नहीं होंगी छबी होंगी है तो उनका एडा इतराम करते हो तो जिन्हें कभी आते नाने का ना हुसैन का नाना खुद सवार होया जो उन्होंने क्या सुहाण अल्लाह। और जिन्हें लोगों ने गारे सोर की जियारत की अज भी इस पुरफितन दौर में जाके देखो इतना तरक्की हो चुकी है सोदिया दे विच लेकिन अजे भी बंदा पब्बा भारी चढ़ता है एडी औखी चढ़ाई है ते नबूवत दा वजन को थोड़ा नहीं सी। ना इंसाफी वाली गल नहीं करनी चाहिए सी जदों बुत रोड़े सरकार ने 360 ते नबीए पाक ने फरमाया मौला अली ने अर्ज की हजूर मेरे कंधिया ते आ जाओ पर मैं ना ना ए अली तुसी मेरे कंधिया ते आओ वजने नबूत एडा सौखा नहीं चुकना। हजरत सदीक अकबर ने हजूर चुकया ना जो घरों निकले ना तो कदम सन चार दो बंदे कट्ठे निकलन कदम किन्ने बंदे ने चार चलते गए दो कदम दो कदम दो कदम जो गारे सोर दा दाना आया ना उदो कदम हो गए दो। हुण जिहड़े पिछले खोजी सन काफरां ने खोजी लगाए वो इस भुलेखे विच पै गए चलते चलते उन्हें कहा इत्थों तक तो कदम दो चार आए ने दो बंदे आते रहे ने अगू दो हो गए समझ नहीं लगी। उदो हजूर मौला हजरत सदीक अकबर ने नबी पाक नूं अपने कंधिया ते उठाया ते हजूर दे कदम फिर किथे आए जोन क्या सुहाण अल्लाह कदम मुबारक नबी पाक दे सीने ते आए ते हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमाते ने जिथे हजूर जाते सन किसी पूछा तुसी हजूर दे जमाने दे फकीह हो मुफस्सर हो कुरान दे इतना इलम हासिल किवें कीता जे? हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद ने फरमाया जिथे हजूर जाते सन आप अपने कदमां मुबारकां विचों नलैन उतारदे सन मैं उठा के अपने सीने नाल ला लैंदा सां अलम अल्लाह ने मैनूं इलम दे खजाने अता फरमाए। और मुहब्बत की गल ये दसो मैनू कि जो हजूर सदीक अकबर ने मेरे आका नूं चुकिया होगा हजूर के कदमैन शरीफ हजूर के सीने ते आए अब्दुल्ला इब्ने मसूद फरमांदे ने हजूर के कदमां विच आन वाली नलैने पाक उठा के सीने नाल लाई अल्लाह इलम के खजाने दिते ने सदीक ने ते हजूर के कदम इत्थे रखे सन जोन क्या सुहाण अल्लाह। फिर मैं ये अर्ज करांगा कि बेशुमार जड़ियां ने फजैल मेरे आका ने बयान फरमाए। हजरत सैयदना सदीक अकबर हजूर के कोल जलवा फरमा सन और तुसी बड़ी बड़ी सैरां करन वास्ते जांदे हो ते कदी किसी तज़किरा भी नहीं कीता लेकिन हज़रत सदीक अकबर जदों हजूर दे लगारे सोर विच गए ते अल्लाह ने कुरान दी आयत नाज़िल फरमा छड़ी। अल्लाह फरमांदा सानी यसनैन इज़ुमा फिल ग़ार प्यार ना कहदा सुभान अल्लाह ओ ग़ार कितनी किस्मत वाली है दोवें संगियां दी वजह नाल कुरान विच क़यामत तक उहना ज़िक्र आ गया ज़ोन क्या सुभान अल्लाह जिथे अल्लाह वाले कदम टका जाण ओ पत्थरां ते भी सलाम पड़ी जांदा पत्थरां दा भी जिक्र कुरान दे विच आ गया जिसका कारी साहब बयान फरमा रहे हैं साबे काफ दा वाकया जड़ा है साबे काफ जड़ा है ना वो छेड़ू दा कुत्ता सी साबे काफ दा कुत्ता नहीं सी छेड़ू राह विच मिलिया ते कुत्ते ने कहा मेरा मालिक पता नहीं किधर चला तो नाल गया ते निस्बत मिल गई अल्लाह वालिया दी ते ए हुक्म है कि वह बंदा बन के जन्नती बन के अब्दुल रहमान उहदा नाम होवेगा जन्नत विच अल्लाह उहदी सैर कराएगा उहनूं जन्नत विच भेज दिता जाएगा उहदी वजह कि उहने चंद लम्हे ओलिया अल्लाह नाल गुजारे इत्थे ते मामला ही कुछ हो रहा है ना इमामो लंबिया उठा के सदीक अकबर लैके जा रहे थे क्या प्यार ना क्या सुहाण अल्लाह। मेरे आका दे कोल हज़रत सदीक अकबर बैठे सन सरकार ने फरमाया 360 सिफतां
ऐसिया ने अगर एक भी सिफत मेरे किसी गुलाम में पाई गई तो अल्लाह नू वली बनाएगा, अल्लाह नू मुत्तकी और परहेजगार बनाएगा। हजरत सदीक अकबर ने अर्ज की, हजूर आपके गुलामा में कोई ऐसा भी है जिन्हें में 360 दी 360 ही होन? कमली वाले ने इरशाद फरमाया, मैं अल्लाह के कारण उम्मीद करता हूं मेरा यार अबू बकर सदीक ही हो। क्या सुहान अल्लाह। और फिर जो माले गनीमत का हुक्म सरकार ने फरमाया, हजरत अबू बकर सदीक बोरिए के लिबास में हजूर के बारगाह में आए, कंडिया के बटन लगे सन बोरिए का लिबास से, इदो सदीक आ रहे सन उदो जबरीले अमीन आ रहे सन। मेरे आका ने जो जबरील में वेख्या तो जबरील भी बोरी के लिबास में, तो आपने फरमाया जबरील तू तो नूरिया का सरदार है, अज लिबास किवें दा पाई? अर्ज की अल्लाह ने तुहाडे यार दी अदा नूं इन्ना पसंद किया कि आका मैं कला नहीं जी, अपनी निगाह नबूत उठाओ ना, अल्लाह का कोई फरिश्ता भी ऐसा नहीं जरा सदीक के लिबास में नजर ना आए। चारे यार नबी दे आशक, तो नहीं कोई इन्ना चारा वर्गा, ना कोई धरती पैदा किया इन्ना जान निसारा वर्गा, ना कोई होया ना कोई होसी इन्ना चारे दिलदारा वर्गा, शान सदीक की दसा आजम इको यार हजारा वर्गा। तो मैं अर्ज कर रहा कि इस चीज के उत्ते इजमा पाया जाता है, इजमा का मान ही है कि जिन्हें इनकार का व्यर्थ ही कोई नहीं होगी, इनकार की व्यर्थ ही नहीं कि हजूर तो बाद कौन अफजल है, उन्हें हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी अहले बैत पाक असी आप दे खाक रूप हाँ और आप माई पाक के घर के झाड़ू देने वाले हैं, और यह भी आपकी मर्जी है कि वह गुलामा में रख लें। हजूर दी अहले बैत पाक बड़िया शाना ने अहले बैत पाक दियाँ, असी वह काम करना है जो सानू हजरत हसन हुसैन दस गए। मेरे बाप मौले का नार करम अल्लाह बुजुर्ग करीम, आप 1000 रोज नफल पढ़ते सन और 40 तरावियां आपने पढ़िया ने, जेडे कहते फरूके आजम ने 20 तरावियां कर दी, असं नहीं पढ़ते, हजूर हुक्म फरमाते थे मौला अली की सुनत पूरी कर लो, मौला अली ने 40 पढ़िया। हजरत उमर फरूक ने तो तरस खाधा उम्मत के उत्ते 20 कर छड़िया, तो मौला कायद नाथ ने 40 पढ़िया खुद। और अगर फरूके आजम की जमात हजरत मौला अली के नजर उनकी अहमियत ना ना होंगी, तो मौला अली ने कभी दुआ नहीं सी देनी। हजरत मौला कायद नाथ का जमाना मुबारक सी, लोग तरावी की जमात वास्ते खड़े सन, हजरत मौलिया का नाथ करम अल्लाह बुजुर्ग करीम मस्जिद में आए, आपने फरमाया मैं हुणे इशा की नमाज पढ़ के गया, हुण की करदे पे हो? ते लोगों ने अर्ज की जी हजरत फरूके आजम ने तरावी की जमात का इतमाम किया, असी आपस में खड़े करके कुरान सुन रहे हैं। इस मौके से हजरत मौला अली यह नहीं फरमाया कि हुकूमत मेरी है, फरूके आजम का जमाना गुजर चुके, आपका वसाल हो गया, तो तुम जो मैं कहना वह करो, लेकिन कुर्बान जाइए क्योंकि अली सन। आपने दुआ फरमाई, फरमाया नबरा अलैना मसाजिदना, अल्लाह उमर की कबर नू रोशन करे जिन्हें अल्लाह के घर नू रोशनी अता फरमाई। तो मैं अर्ज करांगा असी हैं मन्नन वाले, तो आखिर क्योंकि नमाज का टाइम हो गया, कमी का काम की होंगे, तुम भी डेरिया के कमी रखें, मैं तो कमी नहीं उन्होंने समझती, क्योंकि मेरे आका ने खिदमतगारा का बड़ा अहमियत दसी, फरमाया तुहाडे हैल्पर होंदे ने जो खुद खरीदते हो उन्हां वास्ते कपड़े भी उंजदे लवो जिवें खुद पहनते, जो खाते हो उन्होंने खवाओ क्योंकि तुहाडे हैल्पर ने मददगार दे। मेरे आका ने यह जरा कमी का लफ्ज है ना यह खत्म फरमाया, फरमाया ना अरबी नू अजमी दे, अजमी नू अरबी नू कोई फोकियत नहीं, अल्लाह दी बारगाह में इन्ना अकरमकुम इंदल्लाह अतकाकुम, अल्लाह दी बारगाह में जो ये ज्यादा ज्यादा परहेजगार हो। लेकिन मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने लफ्ज बोलिया जाता जी कमी रखे इस डेरे से, तो मैं कहूँगा कमी अगर साहबां दे बोले, तुसीं सियाने जट बैठे हो, अगर कमी साहबां दे बोले जिन्ना रखिया हो, लोग की कहते हैं यार तू 2 साल रह नमक हरामी तना ना कर, तेरा मालक है यार, तेरा मालक है, तू कमी है, ते असी हाँ कमी सरकार दे। इत भाइया असी तो दावा करते हैं, हम तो कई दावा करने भी तैयार नहीं, कहते सगे मदीना क्यों लिख दे, असी अशरफुल मखलूकात,
تے اشرف المخلوقات دا مانیے مخلوقات وچو افضل ہونا، تے حضور دا غلام جڑا نا ہر مخلوق تو افضل، زون زون کیا سبحان اللہ، میرے آقا دا غلام ہو جا تے اللہ تعالیٰ سارے شرف عطا فرمائے گا، جن جن پرند نے سنجے حوان نے انہاں نالوں تو افضل ہو جائے گا، کس وجہ نال؟ غلامی رسول دی وجہ نال۔ تے میں ایک سوال کیتا، میں کہ اشرف المخلوقات افضل ہے کہ سگے مدینہ ہونا افضل؟ کہنے لگے سگے مدینہ ہونا، تے میں کہ پھر پھنس گیا، کوئی کہندا اشرف المخلوقات ہاں سی، تے یہ کہندے نے سگ، سگ میں نے غلام بھی ہوندا ہے، سگ میں نے کتا بھی ہوندا ہے، تے اسی کہندے ہاں اسی غلام ہاں یا کتے ہاں سرکار تہاڈے در تے، یہ تے عاجزی دا ایک لفظ ہے نا، کتا بند نہیں نا بندہ جاندا، یہ کہندا ہے کملی والے مدینے کے کتیاں میں شامل کر دیں، جو اے حضرت عبد الرحمان جامی نے لفظ بولے، اتنے بڑے اللہ دے ولی بھی، اتنے بڑے عالم دین بھی، شیر پڑھ کے ویکھو نا انہوں نے، تو میں یہ عرض کر رہا کہ اسی ہاں کمی سرکار دے، تے کمیاں دا کام نہیں صاحباں دے کماں وچ دخل دے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یقیموا، اللہ فرماندا ہے حاکم بنا میرے نبی نو، فیصلہ ہوے تیرے گھر دا، تے تو نہ منے تے مومن نہیں، اگر فیصلہ حضور دے گھر دا ہوے تو نہ منے تے تیرے پلے کی رہ جانا، اس واسطے جنہاں نال حضور نے نکاح کیتا تے انہوں حیا کرنی چاہی دی، جنیاں حضور دی صاحبزادیاں نے، اج عجیب منظر اے جی صاحبزادی ایک وی تو کیوں تقسیم کردا ہے، جدوں تہاڈیاں کتب وچ ساڈی اہل سنت دی کتب وچ چار بیٹیاں حضور دیاں لکھیاں، نبی پاک نے خود بیان فرمایا مینوں اللہ نے چار دھیاں دتیاں، تیری دھیاں دے بارے میں بندہ کوئی گل کرے تے تینوں غصہ لگدا ہے، سرکار دی بیٹیاں نال صاحبزادیاں نے، نبی پاک دی ساری اولاد ہے، جتنی اولاد ہے تین صاحبزادے نے، چار صاحبزادیاں میرے آقا دیاں، زور نے کہا سبحان اللہ، اور ایک گال یاد رکھو، ان شانیا کا ہوبل ابتر، اللہ فرماندا جڑے محبوب تیری نسل ختم کر دے نے، میں انہاں نسلاں تباہ کر چلاں، قرآن وچ کہ تے حضور دی نسل نو ہاتھ نہ لاؤ، یہ حرکت نہ کرو کہ حضور دیاں چار بیٹیاں نہیں ایک بیٹی، تسی کیوں تقسیم کرتے ہو، جدوں ہر مکتبے نے اپنی کتب وچ لکھیا ہے، تہاڈی کتب وچ بھی یہ لکھیا ہے کہ نبی پاک دیاں چار صاحبزادیاں، پیاری صاحبزادی حضرت خاتون جنت نے، نبی پاک نے فرمایا فاطمہ تو بدا تو منی، فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے، زونا کہتا ہاں جس نے انہوں دکھ دیتا اس نے مینوں دکھ دیتا، انہوں میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بیٹیاں آپ کی چار نے تین آپ دے صاحبزادے، ٹھیک ہے یہ یاد رکھنا، کسی دے بھی حضور اللہ نے فرمایا جنہیں تیری نسل دے لفظ بولے نا حضور دے، جدوں بیٹے وصال ہویا نا انہاں کہ جی ہن نسل ختم ہو گئی سرکار دی، اللہ نے فرمایا انہاں دی نسل ختم ہو گئی، تیری تے قیامت تک محبوبہ چلے گی، یزید لعین دے 15 پتر سن، کسی دا نام کوئی کھڑا ہو کے دس دے، تے میرے باپ زین العابدین کلے سن، دونوں دونوں کیا سبحان اللہ، اج زین العابدین دی اولاد جڑی ہے جڑا جگہ جگہ کریے کریے سید نظر آئے گا، دونوں کیا سبحان اللہ، ان دی وجہ کہ زین العابدین سید زادے سن، مولا علی دی اولاد پاک سن، تے اللہ نے فرمایا محبوب پریشان نہیں ہونا، کریا کریا نگر نگر تیری نسل جائے گی، دونوں کیا سبحان اللہ، پیار نہ کیا سبحان اللہ، اس واسطے میں عرض کراں گا دولت ہوے پیسہ ہوے، میرے حضرت صاحب فرماندے ہیں بازار جانا ہے نا ہر شے نویں لے آ لیکن ایمان نواں نہ لے کے آئی، دین پرانا رکھی تے باقی ہر شے بھاویں نویں کر دے، مکان ڈگ جا نواں بنا لے، فریزر خراب ہو جائے فریزر نواں لے آ، ٹی وی خراب ہو جائے ٹی وی تے رکھنا ہی نہیں چاہیے، تو جو بھی پرانی شے ہو جائے تے او نویں لے آ لیکن ایمان نواں نہ لے کے آئی، میرے آقا نے جو حکم فرمایا جس بارے میں، اسی تے بھائی حضرت بلال تک نہیں اجے پہنچے، تے مولا کائنات کرم اللہ وجل کریم، تے مولا نے ساری کائنات دے، صدیق اکبر تے صدیق نے ساری کائنات دے، تے اسی تے حضرت بلال دی شان نو نہیں سمجھ سکے، جڑے چلدے زمین تے نے تے جنہاں دی جتی دی رگڑ جڑی عرشے اولاد ہو کے جا رہی، میرے آقا نے اپنے غلاماں دی عظمتاں ویکھو نا کتھوں دی کیوں بڑائیاں نے، اس واسطے بیلیوں میں پھر میں پیغام دے رہا، اسی ہاں کمی سرکار دے، تے کملی والے نے ساڈے صاحب، تے صاحباں دے کماں وچ کمیاں دا کام نہیں بولنا، بس کمیاں دا کام ہوندا ہے مننا جو سرکار نے فرمایا، گھر والیاں دے بھی تے در والیاں دے، اللہ محمد ظفر اقبال دی اس محفل نوں قبول فرمائے، بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ما كان محمد
ذنب احد من ذلكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وعلى بيته وذريته واجراته اجمعين اے مالک کریم اے محفل پاک میں نے سنے سائیاں دا صدقہ آپ دی آمد دا صدقہ تلاوت کلام پاک سنائے اکائے دو جہاں علماء کرام دا بیان آپ دا ماشاءاللہ دل افروز بیان اس تو علاوہ ماشاءاللہ 88 مرتبہ قرآن پاک 510 مرتبہ سورہ یاسین 300 مرتبہ سورہ کاف 300 مرتبہ سورہ مزمل شریف 300 مرتبہ سورہ رحمان شریف اس تو علاوہ جو میں پڑھیا ہے بیلیاں نے پڑھ کے میرے ملک کیتا ہے اس قوام دا ثواب تیری بارگاہ ہے بے قسم نا دے اندر پیش کرنا اے مالک کریم اپنی شایان شان قبول و منظور اس قوام دا ثواب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ ہے مقدس مطہر منور منبر دے اندر ہدیہ تن تحفہ تن عقیدہ تن نذرانہ تن مالک پیش کرنا آپ دی شایان شان قبول و منظور آپ دے وسیلہ جلیلہ نال جمیع انبیاء کرام آپ دے والدین کریمین طیبین طاہرین ازواج مطہرات صاحبزادے صاحبزادیاں خاندان رسول دیاں تمام ہستیاں دی بارگاہ وچ مقدمانہ پیش کرنا مالک قبول و منظور خصوصاً بالخصوص اس تمام دا ثواب قبلہ چنگ جی حضور رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دی بارگاہ مقدس اندر پیش ہے مالک قبول و منظور فرما آپ دے درجات وچ بلندیاں عطا فرما یا اللہ کریم جس طرح آپ اپنی زہری حیات پاک وچ بیلیاں نو مستفید فرماندے سن آپ دی برکت مبارک نو میں اسی طرح بیلیاں واسطے منبع رشد و ہدایت بنا یا اللہ کریم سونے سائیاں دا سایہ قبلہ پیر جی حضور دا سایہ بیلیاں تے ہمیشہ قائم و دائم فرما آستانہ علیہ مقدسہ مطہرہ نوریہ حضرت کہلے والے شریف نو صبح قیامت تک آباد و شاد فرما یا اللہ کریم مسل کے حق اہل سنت و جماعت تے استقامت عطا فرما رافضیت خارجیت کو محفوظ فرما یا اللہ کریم جنہ بیلیاں نے اس محفل دا اہتمام کیتا ہے اس تمام دا ثواب انہاں دے خاندان دے جنے بھی آج تو پہلے اس دنیا فانی تو پردہ فرما گئے نے تمام دی روان میں اس سوال پیش کرنا قبول و منظور فرما سونے سائیاں دی نسبت دا صدقہ تمام دی کامل و اکمل بخشی فرما کے جنت الفردوس وچ اعلی مقام نصیب فرما یا اللہ کریم سانو صراط مستقیم تے چل کے زندگی گزارن دی توفیق عطا فرما سونے سائیاں دے احکامات تے قبلہ چنگ جی حضور دے اسباب تے منوں عمل کرن دی توفیق عطا فرما خود بلطف یا الہی من لہو زاد کلیل مفلس بالصدق یاتی عند بابک یا جلیل صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و علی آلہ و صحابہ و اہل بیتہ اجمعین